जोड़ मिल मजदूरों की शिकायत पर रियासी तृणमूल मजदूर यूनियन INTTUC के सदर ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि अगर कोई जूट मिल मालिक सही एग्रीमेंट का सम्मान नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ बंगाल गवर्नमेंट से शिकायत करूंगा। आइंदा 10 मार्च को तृणमूल की जानिब से ब्रिगेड मैदान में जलसा के मद्देनजर बांसबड़िया गेंजेस जूट मिल झंडा मैदान में एक जलसा मुनाकिद की गई, जहां इस जूट मिल के मजदूर अपनी शिकायत और मसाइल लेकर पहुंच गए। फिर क्या हुआ इस जलसा में, क्या शिकायत थी मजदूरों की, क्या कहा तृणमूल ट्रेड यूनियन के सदर ऋतुव्रत बनर्जी ने, चलिए सुन लेते हैं। उससे कबल मजदूर की शिकायत सुन लेते हैं। मजदूर को आप जो मशीन चला रहा है जो नेरो लूम, उसको आप बोलिएगा कि आप 8 मशीन चलाइए, 6 मशीन चलाइए। आज के डेट में आपको बताते चलूं कि आप ये देखिए मैनेजमेंट हम लोग को जबरन गेंजेस के मजदूर जितने भी हम लोग जा रहे हैं, हमारे ये तृणमूल ट्रेड यूनियन से ये गुजारिश करने जा रहे हैं कि हमारे मिल पर बहुत सारा अत्याचारी हो रहा है, इसको आप लोग देखें, इसका कोई समस्या निकाले। তার জন্যই কিন্তু আমি এখানে আজকে মিলিতে ডেকেছি। আজকে সভাপতি এসছেন, আমি আলোচনা করবো, ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলবো, আপনাদের সুন্দর সমাধান হবে। লোক কলকাতা মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড মে মৌজুদ হোঙ্গে। হামারে লিডার অভিষেক ব্যানার্জি কা এলান পর জো জনগঠন সভা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড মে হোগা আনে ওয়ালে 10 মার্চ কো, जिससे पूरी बंगाल का आवाम का आवाज बुलंद किया जाएगा, उसको लेकर कैंपेन पूरी बंगाल के पैमाने में चल रहा है। बंगाल का चीफ मिनिस्टर, बंगाल का वजीर आला ममता बनर्जी वो जनगठन सभा में प्रधान वक्ता के तहत में अपने बात रखेंगे। आज यहाँ पर गेंजेस जूट मिल का जो मजदूर लोग है, उन लोगों का जो मांग है और खास करके ये मांग को लेकर और बंगाल के ऊपर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, जिस तरीके जुल्म सितम हो रहे हैं, जिस तरीके से बंगाल का पैसा दिल्ली अटक के रखा है, इस सब चीजों को लेकर आने वाले 10 तारीख जो जनगठन सभा है ब्रिगेड में, आज उसका समर्थन में गैंगरेस जूट मिल के सामने ये जो सभा हो रहा है, मैं आप लोगों से पहले जो बात का जिक्र करना चाहूंगा, ये सिर्फ जूट मिल का सवाल नहीं, पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में जिस तरीके से मेहनत कश लोगों के ऊपर गेंजेस जूट मिल मजदूर और INTTUC के रियासी सदर ऋतुव्रत के साथ क्या बात हुआ ये भी देख लेते हैं। पैड में ELC का ऑफिस में जो जो दिक्कत है मैं पूरा एग्रीमेंट पढ़ के सुनाया, एग्रीमेंट में क्या क्या है, एग्रीमेंट में जो जो क्लॉज ये मालिक मान नहीं रहा है उसको लिखकर मनोज चक्रवर्ती हमारे प्रेसिडेंट है, अरिंदम मुंबई यहाँ पर है, राजादा है, शिल्पी है, हमारा जो लीडर लोग है पौलोमी है, तो आप लोग इमीडिएटली DLC ऑफिस में जाके जितना जल्दी हो सके कारक लिपि दीजिए और वो भेज देगा। अरिंदम MLA भी है, मलाई घटक से बात कर लेगा, तो लेबर मिनिस्टर इसमें इंटरवेन करेगा। ये मिलना चाहिए जितना जल्दी हो सके, लिखित परित में होना चाहिए। सर नमस्कार, सर एक जिन बोलती सर আমাদের এই মিলে মডলাইজ আমরা মানছি স্যার, যত আমরা মজদুর আছি সব মানছি মডলাইজ, আমার কথা শুনে নিন স্যার, যেন আপনি অনেক বড় লোক আমাদের এখানে মডলাইজ হচ্ছে স্যার, सर यहाँ मोडलाइज हो रहा है सर, मगर मोडलाइज के नाम पर सर हम नेरो लूम हम लोग 2 तो चलाते थे, नहीं रहेगा नेरो लूम। आज जो पोजीशन है हम लोग को कॉम्पिटिशन में दौड़ना होगा, हम दौड़ने के लिए तैयार है सर। इधर चाइनीज मशीन घुसा है सर, चाइना मशीन घुसा है सर, घुसा दिया सर, चाइना मशीन घुसा है सर, उसका नाम है S4। आज सर S4 के नाम पर सर हम लोग को 6 चलाने को बोला जा रहा है सर। ये जो है ना, देखिए ये एग्रीमेंट जो हुआ, एग्रीमेंट में मालिक लोग था, ट्रेड यूनियन था और गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट का उद्योग से एग्रीमेंट हुआ, तो एग्रीमेंट में पूरा क्लॉज है, तो क्लॉज में क्या क्या पूरा मैं पेपर दिया आपको जो मेन पॉइंट था और एग्रीमेंट अवेलेबल है, तो एग्रीमेंट को कॉपी देखकर अगर मालिक कौन कौन जगह से घट रहा है, घटक रहा है, वो लिख के DLC के पास तुरंत कंप्लेन दीजिए सर। हम भी लिखित रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम अगर दो टो में से नेरो रूम अगर हमसे हटाए जाए, कोई लिख के देना पड़ेगा, हमको आप 4 जन दिलवा दीजिए, 4 चले सर, जो भी है लिख के देना पड़ेगा, मुंह से हम लोग तो हल नहीं करेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे, हल जो करना है इमीडिएटली DLC को पास ये सारे क्लिप ही दीजिए और कॉपी हम लोग, हमारा गार्जियन तो यहाँ पर हमारा यूनियन है सर, यूनियन जो लिखाई होगा, हमारा जो वक्तव्य होगा यूनियन लिखेगा, यूनियन को आप मुंह से ये लिख के यूनियन को दीजिए। S4 का जो मकसद है, ये रैपियर है जो चाइनीज लूम घुस रहा है,
क्या क्या कौन सा डिपार्टमेंट से कहां जाने का ये मैनेजमेंट बोल रहा है, ये सब पूरा बना के डीएलसी के पास तुरंत मनोज को लेकर जाइए। सर जबरदस्ती सरप्लस हो रहा है सर, हम लोग आज 14 बरस से सर 18 बरस से काम कर रहे हैं सर, वहां से हम लोग पूरा लिख के दीजिए, हम लोग इसीलिए इधर आए हैं, जो जो दिक्कत है लेकर डीएलसी के पास तुरंत सड़क लिखित देगा। जबरदस्त कंपनी की तरफ से ये फॉर्म दिया जा रहा है सर, जरा सा देख लीजिए, नेरोलूम खुद खत्म कर रहा है सर, हम लोग नहीं चलाएंगे। ये जो जो आप लोगों का कंप्लेन है, एग्रीमेंट तो सरकारी दस्तक है जी जी, सब लोग साइन किया, स्टैंप पड़ गया, तो जो एग्रीमेंट हुआ है एग्रीमेंट से कोई अपना मर्जी में मनमर्जी घट नहीं सकता है, तो क्या क्या एग्रीमेंट से अलग चीज ये लोग कर रहे हैं ये सब तुरंत कोड़े मनो कोड़े दाओ। सर एक और सवाल बात आप बोले सर कि 2003 से हम लोग भर्ती है सर, और उस समय हम लोग को भर्ती किया था 48 रुपया में, नाम रखा था 73 रुपया सर। आज के डेट में सर हम लोग का रेट अभी एक महीना पहले हमारा रेट 440 रुपया था सर, और अभी जो नया एग्रीमेंट हुआ सर उसमें हम लोग का अभी एक दिन का बंदी जो फेस्टिवल का पैसा मिला सर उसमें हमारा रेट 485 रुपये हुआ। 14 साल हम काम किए सर, मेरा रेट 485, आज के डेट में सर न्यू वैकेंसी का भी रेट 485 रुपये सर। नहीं नहीं पूरा पूरा अलग है, ये कैटेगराइजेशन कर दिया गया है, एग्रीमेंट का कॉपी लीजिए, एग्रीमेंट का कॉपी लेकर दोनों पास बैठिए, अपना पॉइंट बनाइए और डीएलसी के आज जुट मिल में जो माहौल है जिस तरह से आपके पास श्रमिक लोग आके शिकायत कर रहे हैं, आप क्या बताएंगे इन लोगों का मसला क्या है? देखिए मजदूर वर्ग का जो बंगाल का गवर्नमेंट इस बार जनवरी के 3 तारीख 2024 में जिस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है, मैं इधर ये मीटिंग में भी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का मेन चीज जो पढ़ के दिया, तो अगर कोई जुट मिल मालिक एग्रीमेंट के बाद भी उसका जो सम्मान नहीं कर रहा है तो इसके खिलाफ हम बंगाल गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे एक्शन लेने के लिए। हमारा जो ऑल बंगाल तृणमूल जूट एंड टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन है, टेक्सटाइल यूनियन वर्कर्स यूनियन की ओर से हमारा यहाँ पार्टी का प्रेसिडेंट लोकप्रिय विधायक अरिंदम गुई भी मौजूद है, ये लेकर वो भी बात करेंगे। हमारा इस यूनियन का अध्यक्ष सेंट्रल कमेटी का अध्यक्ष सोमनाथ श्याम एमएलए है जगत दल का, एग्रीमेंट में जो हुआ है उसका सम्मान करना ही पड़ेगा, अगर एग्रीमेंट आप साइन किए हैं तो एग्रीमेंट का हर चीज को सम्मान देना पड़ेगा। अगर गैंजेस जूट मिल में कोई चीज का वायोलेशन हो रहा है तो मनोज चक्रवर्ती वो लोग अभी इन लोगों से बैठेंगे, बैठ के पॉइंट बना के डीएलसी के पास तुरंत कंप्लेंट। मजदूरों का शिकायत है कि जूट मिल में तृणमूल का सरकार चलता है, तृणमूल का पावर चलता है, इसके बावजूद भी मजदूरों का हिंसा होना पड़ता है। तो कोई मुझे बोला नहीं, आप बोल रहे तो आप ही आंसर दे पाएंगे, आप मजदूर लोग जो बोले थे मैं उसका आंसर दे दिया। मतलब का दीजिए सब हम लोग तो बहुत साल के बाद बैठे हुए थे, हम लोग जाएंगे।